हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी प्लस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रैना एनसीआर टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसकी डोज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, किस कंपनी की बनाई हुई है, कितने की ये टैबलेट आती है, कैसे इसका यूज़ करना है, कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है और इसके यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है, दोस्तों इस टैबलेट से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी भी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल मेडी प्लस पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलो हम बात करते हैं क्रैना एनसीआर 10 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये टैबलेट 3 फॉर्म में आती है। दोस्तों, 5 mg में मिल जाएगी आपको, 10 mg में मिल जाएगी और 15 mg में भी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हम इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो यह एलेम्बिक कंपनी की बनाई हुई है। दोस्तों, अगर हम इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसके अंदर नॉर्थस्ट्रॉन दिया गया है। दोस्तों, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये 215 रुपये में आपको 10 टैबलेट मिल जाती हैं। दोस्तों, ये टैबलेट आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप या फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं इसका यूज़ किस किस प्रॉब्लम्स में किया जाता है। दोस्तों, इसका यूज़ ज़्यादातर तो पीरियड्स डिले करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो महिलाओं को पीरियड आते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ आप कैसे करें, अगर आपको मान लो अगर आपको 30 तारीख को पीरियड्स आते हैं और अगर आपको पीरियड्स की डेट आगे बढ़ानी है तो आप इसको 28 तारीख 29 तारीख में लेना स्टार्ट कर दें, यानी कि 1 या 2 दिन पहले अगर आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे तब आपके पीरियड्स को डिले करेगा, यानी कि ये टैबलेट आपके पीरियड्स को आगे बढ़ा देगी। आपको जितने दिन अगर पीरियड्स डिले करने हैं उतने दिन ही आपको ये टैबलेट रोज़ एक टैबलेट खाना खाने के बाद लेनी होगी। तो दोस्तों, इसके यूज़ के बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। दोस्तों, इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है पीरियड्स डिले करने के लिए। तो ये टैबलेट एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होती है जो कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन की तरह ही काम करती है। इसका यूज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स में किया जाता है, जैसे कि मैसुलर डिसऑर्डर, एबनॉर्मल वेजिना ब्लीडिंग में जो कि हार्मोन्स के इनबैलेंस होने की वजह से होती है, उन्हें ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, इस टैबलेट का यूज़ अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी किया जाता है, यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं तब भी कुछ डॉक्टर इस टैबलेट को सजेस्ट करते हैं। कभी कभी इस टैबलेट को एंडोमेट्रियल कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा इस टैबलेट का जो यूज़ किया जाता है वो पीरियड्स डिले करने के लिए ही किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो, हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, इसके भी आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसे ज़्यादा लेने से रेगुलर मेंशन पीरियड्स हो सकते हैं, नींद का नहीं आना, चेहरे पर बालों का आना, धुंधला दिखाई देना, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाथों में दर्द, चक्कर आना या फिर बॉडी में सूजन का होना या फिर एलर्जी होना, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टैबलेट को यूज़ करने के बाद अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं कहना चाहूँगा आप इस टैबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों, इस टैबलेट को लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। महिलाएं इस टैबलेट का यूज़ ना करें, डिप्रेशन में है या फिर शुगर है आप, तो इस टैबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, या फिर रेगुलर मेंशन ब्लीडिंग हो रही है तब आप इस टैबलेट का यूज़ ना करें। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।